हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमोडिटी। सो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे क्रूड ऑयल के जो फ्यूचर्स हैं वो यहाँ पर करेंटली मार्केट में जिस तरह ट्रेड कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर हमें जो किस तरह का नया ट्रेड बनाना चाहिए। सो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर डेली बेसिस के हिसाब से अगर यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं तो मोमेंटम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर हमें नेगेटिव जो है देखने को यहाँ पर मिल रहा है, और उसके साथ साथ में यहाँ पर इक्विटी मार्केट के अंदर तेज़ी जो देखने को मिल रही है वो भी जायज़ देखने को यहाँ पर जो है लग रही है। पिछले दो सेशन से भी अगर यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो कोशिश डेफिनेटली रही है कि यहाँ पर हमें 715 का जो प्राइस लेवल है वो ब्रेक होते हुए देखने को मिल सके, बट यहाँ पर अभी तक वो जो प्राइस लेवल है वो ब्रेक होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, और अभी भी जो है कॉन्सोलिडेटेड यहाँ पर हमें मोटा मोटी इसी प्राइस बैंड के अंदर जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर कोई नया ट्रेड बनाना भी चाहते हैं तो यहाँ पर जो सबसे ईजी और यहाँ पर जो सबसे अच्छा अप्रोच जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर रहेगा एक अच्छे खासे जो कॉन्सोलिडेशन का ब्रेकआउट रहेगा, डेट इज़ डाउन साइड के अंदर 6840, या फिर अगर आपका रिस्क रेट थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर हम जो है 6895 के प्राइस बैंड के नीचे भी अगर यहाँ पर जो है कैंडल जाना स्टार्ट करती है तो यहाँ पर हम जो है शॉर्ट पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं, और लॉन्ग पोजीशन के लिए फॉर अ टाइम बिंग यहाँ पर हम 7150 के प्राइस बैंड का वेट करेंगे। बिलो सॉरी अगर उस प्राइस बैंड के ऊपर अगर यहाँ पर जो है कैंडल जाना स्टार्ट करती है देन वी कैन थिंक अबाउट टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन इन क्रूड ऑयल फ्यूचर्स। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और यहाँ पर ट्रेडिंग के हिसाब से मदद कर रही होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।